हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कलकत्ता का मशहूर स्ट्रीट फूड क्लब कचौड़ी, और इसके साथ मैंने बनाया था आलू टमाटर की बहुत ही यम्मी एकदम टेस्टी सी सब्जी। और ये देखने में जितना यम्मी लगता है खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी को, इसे मैंने कैसे बना कर रेडी किया था। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी उड़द दाल, और इसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में फूलने के लिए रख दिया था। और ये जब फूल गया तो हम इसे इस अच्छी तरह पानी से वॉश करके इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और सारे दाल को मिक्सी के जार में डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच दही। ये देखिए मैंने अपने उड़द दाल में 2 चम्मच दही, दही हमारा ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, और 2 चम्मच दही डाल के हमें इसे एकदम महीन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने अपने उड़द दाल और दही को एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम चलेंगे आगे के प्रोसेस की तरफ। तो मैंने लिया एक परात और उसमें मैंने डाल दिया एक छोटी कटोरी से मैंने डाला था सूजी, और उसे थोड़ी बड़ी कटोरी से 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दिया गेहूँ का आटा। और गेहूँ का आटा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक डाल के मैंने इसमें डाला थोड़ा सा अजवाइन, जिसे मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके मिला दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अच्छा टेस्ट लाने के लिए 1 पिंच हींग। हींग डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच ऑयल, जिससे कि हमारा कचौड़ी काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी होगा। और 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिला लेना है। और ये देखिए मैंने अपनी सारी सामग्री को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लिया, और जो मैंने उड़द दाल और दही का बैटर बना के रखा था ना, इसे इस आटे में डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। इसमें हम शुरू में पानी नहीं डालेंगे, हमारा उड़द दाल से ही लगभग आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा सा एक डो बना देंगे। और ये देखिए मैंने अपने आटे को और उड़द को एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना कर रेडी कर लिया। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाला है। हमारी सूजी अच्छी तरह फूल जाए तो हमारी कचौड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बन के रेडी होगी। अब मैंने लिया एक मिक्सी का जार, उसमें मैंने डाल दिया 2 बड़े साइज का टमाटर जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और 1 मिर्ची, और इसका मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना कर रेडी कर लिया है। अब मैंने लिया एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसे डालने के बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच गोटा जीरा। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जो मैंने टमाटो और मिर्ची का पेस्ट बना कर रखा था ना, उसे इस ऑयल में डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने अपने टमाटर और मिर्ची के पेस्ट को ऑयल में डाल दिया है। मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अपने टमाटर को अच्छी तरह भून लेना है। जब हमारा टमाटर अच्छा भून जाए और इसका ऑयल मसाला ऑयल रिलीज करने लगे तो हमें इसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये देखिए हमें इसे चलाते हुए अच्छी तरह से अपने मसालों को भून लेना है। और मैंने जो 4 बड़े साइज का आलू को बॉयल करके उसे छील के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रेडी करके रखा हुआ था, इसे इन मसालों में डाल के अच्छी तरह से हमें मिला देना है। और मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे पानी। ये देखिए मैंने अपने आलू टमाटर की सब्जी में पानी डाल के इसे थोड़ी देर ढक के हमें पकने के लिए छोड़ देना है, और ये रस्से वाली सब्जी बनेगी जिससे के साथ हम अपनी कचौड़ी को एंजॉय करेंगे। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अब थोड़े से धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर देंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने जो आटे को बना कर रखा था ना, उसमें से हम एक लोई लेंगे और इसे बिल्कुल पूरी की तरह पतला बेल लेंगे। इसे ज़्यादा मोटा हमें नहीं बेलना है, बिल्कुल पतला पतला ही बेलेंगे, तभी जाके हमारी पूरियाँ क्रिस्पी होगी। और इसे तलने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमें अच्छा गर्म चाहिए, तभी हमारी पूरियाँ कचौड़ियाँ अच्छी तरह फूल के क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। इसे दबाते हुए अच्छी तरह हमें इसे फ्राई कर लेना। ये देखिए मैंने अपने पूरियों को अच्छी तरह से फ्राई करके रेडी कर लिया, एकदम क्रिस्पी यम्मी हमारी क्लब कचौड़ियाँ बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए एक एक करके इसी तरह हम अपनी सारी कचौड़ियों को तल लेंगे।
इसे दोनों तरफ से हमें पलट के अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेना है, तभी जाकर इसका स्वाद हमें काफ़ी टेस्टी लगेगा। और इसी तरह एक एक करके हम सारी कचौड़ियों को तल के निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने लिया एक प्लेट, उसे मैंने अपने कचौड़ियों को अच्छी तरह से सर्व कर दिया। और इसके साथ मैंने सर्व किया आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी। आप चाहे तो इसे चने की घुगनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मटर के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, पर मैंने इसके लिए चने की सब्जी नहीं बना के आलू टमाटर की पतली ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी। इसके साथ भी एक क्रैब कचौड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और देखने में जितना सुंदर लग रहा खाने में उतना ही यम्मी लगेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और मेरे इस चैनल को, मेरे इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।